कॉलेज की तरफ टर्न हो चुका हूँ। सेम आज 24 अभी कोई मौजूद नहीं है। इसका मकसद ये समझ आया कि टीम बनाया जा रहा है, उस तरफ तो मैं जाऊँगा। ईद के बाद से अभी तक कोई खास यहाँ पे प्रोग्रेस और कोई डबल जीत पहुँचा है, और सबको जा रहा हूँ और ये अंडर पास तो मैं निकल रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद आतिफ, हम बताएँ चैनल साहब से मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त करीम आबाद अंडर पास से मौजूद हूँ। इस वक्त 9:15 का टाइम हो रहा है और 24 अप्रैल है, और आज मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट करने के लिए आया हूँ। ईद के बाद से अभी तक कोई ख़ास यहाँ पे प्रोग्रेस और कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। लास्ट दो मैंने यहाँ व्लॉग्स बनाए हैं और अपलोड किए हैं। मेरे सामने काका भवानी, एक रास्ता गरियाबाद और एक रास्ता हुसैनाबाद फोटो स्ट्रीट की तरफ को जाता है, और ये आपके सामने इस वक्त मार्केट की पोजीशन 9:15 के टाइम में इसे तो मार्केट तक में बंद है, और मैं यहाँ से अभी चलता हूँ, इंशाल्लाह नीचे की तरफ को जाऊँगा। फिलहाल आज मुझे कोई खास डेवलपमेंट कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। मकसद ये है कि लेबर आज भी अभी तक नहीं पहुँची है। खैर मैं अभी आगे की तरफ को जाता हूँ। सामने लियाकताबाद फ्लाईओवर भी आपको नज़र आ रहा होगा, और एस एच पॉइंट पर करीमाबाद की मेन मार्केट जिसको मीना बाज़ार कहा जाता है वो भी वहाँ पर मौजूद है। फिलहाल ये मैं बिल्कुल बीच पोजीशन पे आके खड़ा हुआ हूँ। 10 फाउंडेशन है जैसे इसकी लास्ट टाइम हो चुकी थी, और रिटेनिंग वॉल वगैरह जहाँ तक इसकी बन चुकी थी। सेम आज 24 अप्रैल है, उसी पोजीशन पे ये आज ही मौजूद है। लेबर तो ख़ास मुझे नज़र नहीं आई है। ये आपके सामने जो स्कैप फोल्डिंग वगैरह लगी हुई थी सेम उसी पोजीशन पर ये आज ही मौजूद है। ये सामने अगर मैं आपको रिटर्निंग बॉल वगैरह की पोजीशन बताऊं और दिखाऊं तो सेम ये अभी तक उसी पोजीशन में मौजूद है। कोई अगर ख़ास डेवलपमेंट मुझे नज़र आई है तो ये नज़र आई है कि सील यहाँ पर मज़ीद पहुँचा है, और स्टील कटिंग की लेबर यहाँ पर मौजूद है। स्कैप फोल्डिंग जिस तरह लगी हुई थी सेम उसी पोजिशन पर आज भी मौजूद है करीमाबाद अंडर पास, और ये स्टील यहाँ पर फ़िलहाल मुझे जो नज़र आया है ये यहाँ पहुँचा है। शटरिंग वगैरह बकाया चीज़ें तमाम वैसी की वैसी मौजूद है। बीम वगैरह बनाने का काम भी चल रहा था, मैं आज उस तरफ को भी जाऊंगा और कोशिश करूंगा वहाँ की प्रोग्रेस आप तमाम लोगों से शेयर की जाए। फिलहाल प्रोग्रेस मेरी नज़र में आज भी 0 पोजीशन पर ही है, और ये स्टील जो है बस फिलहाल मुझे यहाँ पहुँचा हुआ नज़र आया। मैं मज़ीद आगे की तरफ को जाऊँगा। मैं अभी वापस करीमाबाद की तरफ को जा रहा हूँ, और ये अंडर पास से मैं निकल रहा हूँ की तरफ जाने के लिए। काम से कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। ये मैं दूसरी साइड पे आ चुका हूँ, इसके ऊपर भी यहाँ पे प्रोग्रेस के बारे से मैं आपको बता दूँ कि फिलहाल किसी भी किस्म की यहाँ डेवलपमेंट वगैरह नहीं है। और मैं अभी यहाँ से जहाँ पे बीम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं उस तरफ तो मैं जाऊँगा। ये सामने रास्ता जियाउद्दीन हॉस्पिटल की तरफ को जाता है, और मैं अभी अपा कॉलेज की तरफ को टर्न हो चुका हूँ। ये वो लोकेशन है जहाँ पे इस कंपनी का वेयर हाउस है, और बेजिंग प्लांट वगैरह यहाँ लगाया गया है। कंक्रीट्स वगैरह यहाँ पर बनाई जाती हैं, और बीम्स वगैरह बनाने का काम भी यहाँ किया जाता है। ये अब्बा कॉलेज का मैदान है,
सामने जो आबादी है वो मूसा कॉलोनी की कहलाती है और ये लियाकताबाद टाउन की हदूद में आता है। इस वक्त मशीनरी वगैरह भी आपको नज़र आ रही होगी, तमाम मशीनरी वगैरह वैसी की वैसी खड़ी हुई है। लेबर मुझे यहाँ पर भी नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल जो भी डेवलपमेंट वगैरह होगी मैं इंशाल्लाह आप तमाम लोगों से शेयर करूँगा। जो बीम्स वगैरह यहाँ बनाए जा चुके हैं वो मैं इस वीडियो में आप तमाम लोगों को शो आउट कर दूंगा। टीम यहाँ भी कोई मौजूद नहीं है, इसका मकसद ये समझ आया कि टीम यहाँ पर भी अभी तक आई नहीं है। मशीनरी वगैरह सारी वैसी की वैसी खड़ी हुई है और ये सराउंडिंग के यहाँ पर आपके सामने भी हो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें शेयर करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। प्रोग्रेस फिलहाल यहाँ पर अभी तक ज़ीरो ही है।